गाइस यहाँ पे आईफोन SE 3 का ना एक लाइव रेंडर रिवील हुआ है, जिसको देखने के बाद कंफर्म होता है कि आईफोन SE 3 स्मार्टफोन कैसा होने वाला है। मतलब यार काफ़ी अच्छा होने वाला है यार। ये मेरा ओपिनियन है कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग के साथ आ रहा है आईफोन SE 3। और इस फ़ोन के रियर में ना हम लोगों को सिंगल कैमरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे अपग्रेड करके डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। और फ़ोन भी बहुत ही छोटा होगा। और यहाँ पे एक ख़ास बात कि यार यहाँ पर भी हम लोगों को कंटिन्यू टच ID देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे ना आप लोगों को फेस अनलॉक नहीं मिलेगा। और यार बहुत सारे अमेजिंग अपडेट है आईफोन SE 3 के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आईफोन SE 2021 इस फोन का नेम होने वाला है, आप लोग आईफोन SE 3 भी बोल सकते हो, क्योंकि यार बहुत सारे यूजर्स तो ये बोलते हैं आईफोन SE, आईफोन SE 2 और आईफोन SE 3, तो मतलब नॉर्मल सा आईफोन SE 3 काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन होने वाला है। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस फोन के स्पेक्स वाइज के, मीन्स आईफोन SE 3 के अंदर कैसे स्पेक्स देखने को मिलेगा। चिपसेट के बारे में बात करते हैं कि मीन यार यहाँ पे हम लोगों को ना कौन सा चिप देखने को मिलेगा आईफोन SE 3 के अंदर। तो यहाँ पे मिलने वाला है एप्पल का A14 बायोनिक चिप, जो कि काफ़ी अच्छा चिपसेट है। और यही सेम चिप हम लोगों को ना आईफोन 12 सीरीज के अंदर कंटिन्यू देखने को मिला है। और चिपसेट जो कि काफ़ी अच्छा है यार, 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। यहाँ पे हेक्सा कोर 2x 3.1 GHz का क्लॉक स्पीड मिलेगा। और यहाँ पे एप्पल का GPU मिलने वाला है 4 ग्राफिक्स के साथ, मतलब आप लोगों ना इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस आईफोन 12 सीरीज का जैसा मिलने वाला है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो आईफोन SE 3 के अंदर ना डिस्प्ले में बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू दी आईफोन SE 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईफोन 8 वाला डिस्प्ले सेम हम लोगों को ना आईफोन SE 2 के अंदर देखने को मिला था, पर इस बार बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। आईफोन SE 3 के अंदर सेम ही मिलेगा, पर यहाँ पे चिन और नोज बहुत ही छोटा कर दिया गया है। और यहाँ पे टच आईडी आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सुपर रेटिना XDR का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक OLED पैनल होने वाला है। यहाँ पे ना IPS रेटिना डिस्प्ले नहीं मिलेगा, OLED पैनल के साथ आने वाला है, जहाँ पे हम लोगों को HDR10 का सपोर्ट मिलेगा 5.4 इंच के साथ आने वाला है, जहाँ पे फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कैमरे में ना बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा आईफोन SE 3 के अंदर। यहाँ पे मिलने वाला है डुअल रियर कैमरा, मतलब यहाँ पे आप लोगों को सिंगल कैमरा नहीं मिलेगा, ऑफिशियली यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जहाँ पे प्राइमरी शूटर मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल का, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत सारे यूजर्स जो कि आईफोन SE 3 को परचेस करने वाले, और जितना आप लोगों को पता होगा ही कि आईफोन 12 सीरीज में ना आईफोन 12 जितना मतलब सेल नहीं हुआ है, अभी भी ना आईफोन 11 सेल हो रहा, क्योंकि आप लोगों को कैमरा में उतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं मिलता है। फिर भी यार आईफोन SE ना बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन होने वाला है, मतलब आईफोन SE 3। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो कमेंट करके बताइए। बात करते हैं फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में। फ्रंट में मिलेगा 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, जैसे कि आप लोगों को पता है आईफोन का कैमरा कितना अच्छा होता है। यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलेगा विथ 30 FPS और 60 FPS। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे मिलेगा 3000 mAh का बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। मतलब इस फोन के अंदर बैटरी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मतलब बैटरी बैकअप इनहेंस करके इस फोन के अंदर मिलेगा। और चार्जर आप लोगों को इन दी बॉक्स नहीं मिलने वाला है, मतलब आप लोगों को बाहर से परचेस करना पड़ेगा, जैसे कि आईफोन का न्यू रूल है, आप लोगों को बाहर से ही परचेस करना पड़ेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, आईफोन SE 2021 3 का ना प्राइसिंग इंडिया के अंदर होने वाला है 40,000 से 50,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। यार तो काफ़ी अच्छा प्राइसिंग है इस प्राइस पॉइंट पे, यार अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इस फ़ोन का प्राइसिंग ना अबव आप लोगों को 40,000 रुपीज़ तक ही देखने को मिलेगा, 50,000 नहीं हो सकता यार, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइसिंग में अगर आईफोन SE 3 आता है तो मतलब बहुत कम ही लोग परचेस करेंगे। पर अगर 40,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे आता है 64 GB, तो बहुत सारे यूजर्स इस फ़ोन को परचेस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को A14 बायोनिक चिप मिल रहा, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है। रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं तो आईफोन SE 3 इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अभी तक तो कंफर्म नहीं है इस फोन का, पर एक्सपेक्टेड है यार आने वाले 1 से 2 या फिर 3 महीने तक आईफोन SE 3 मतलब इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।